मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी और कई नाम शामिल हैं जो इस समय चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हर्ष मेहरोत्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भागीरथ चौधरी, चिराग पासवान, अजय टमटा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, गिरिराज सिंह इस बैठक में इस समय शामिल हैं। आज शाम मोदी 3.0 की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। तो वहीं सहयोगी दल, घटक दल जो हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी कैबिनेट में संभावित ये नाम है जो शामिल होंगे, इनसे इस समय चर्चा पीएम मोदी करने जा रहे हैं। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, एनडीए को अपना समर्थन इन्होंने दिया, मोदी को अपना नेता इन्होंने चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने आशीर्वाद लेके इस बार बिहार में बंपर जीत हासिल जो की है, इसलिए चौतरफा चिराग पासवान की हो रही है। 5 सीटों पर इन्होंने बड़ी जीत हासिल की और अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज जो राष्ट्रतिलक होना है उस पर दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रतिलक से पहले, मोदी सरकार 3.0 से पहले सियासी हलचल जो इस समय दिल्ली में चरम पर है, उसमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें जो आप बिल्कुल सेंटर स्क्रीन के साइडों में देख रहे हैं, ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में, आपको मोदी कैबिनेट 3.0 में नजर आने वाले हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। और बड़ी बात तो आपको बता देते हैं, वो तीन अहम मंत्रालय जो पीएम पद से नीचे आते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, बीजेपी ये तीनों मंत्रालय अपने पास रखने जा रही है, इस बात का ऐलान हो चुका है। नहीं, वो सब अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्र को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्र में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वैसे कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से। ठीक है, जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे वोट वैल्यू देंगे वो वोट वैल्यू निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं मोदी 3.0 की ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह की कैबिनेट में वापसी होना तय है, राजनाथ सिंह भी कैबिनेट में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं जो जानकारी मिल रही है। जेपी नड्डा इस बार कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, जेडीयू कोटे से ललन सिंह बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है, आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी बनेंगे मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं, राव इंद्रजीत बन सकते हैं मंत्री, किरेन रिजिजू का नाम भी शामिल है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। वहीं आपको बता देते हैं कि रामदास आठवले भी वापसी करने जा रहे हैं, हालांकि अपनी सारी सीटें इन्होंने महाराष्ट्र में गवा दी है, लेकिन ये तय है कि इनको मंत्रालय जरूर दिया जाना है। पिछली बार भी अहम भूमिका निभाई थी मंत्रालय में, इस बार भी नाम इनका जोरों से चल रहा है। अजय टमटा का नाम भी मंत्री की रेस में तय माना जा रहा है, निर्मला सीतारमन मंत्रिमंडल में वापसी करेंगी जो जानकारी मिल रही है। और बड़ी जानकारी ये कि गृह रक्षा वित्त मंत्रालय खुद बीजेपी अपने पास रखने जा रही है, सीसीएस वाले मंत्री पद पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी, सोर्सेस जो जानकारी दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखने जा रही है बीजेपी। तो लीजिए, अब जीत की जो हैट्रिक मारी है नरेंद्र मोदी ने और आज जो उनका राजतिलक होना है उस पर मेहमान जो आए हैं, विदेश से आए हुए मेहमान, उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है और आना उनका लगातार जारी है।
आज शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण से पहले 8,000 से ज्यादा मेहमान बताए जा रहे हैं जो साक्षी बनेंगे नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री शपथ लेने के दौरान के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के दौरान के 8,000 से ज्यादा मेहमान साक्षी बनने जा रहे हैं। राज तिलक की बारी है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस समय की ताज़ा अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं, चाय पर चर्चा की जा रही है उन सांसदों के साथ जिन्होंने जीत दर्ज की है और जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, आज शाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए शाम को भव्य, अब ये जो ग्रैंड सुपर ग्रैंड आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, इसमें पिछली बार दोनों चरणों के मुकाबले इस बार मेहमान भी ज्यादा और ज्यादा भव्य तरीके से नरेंद्र मोदी को उनका राज तिलक करने की तैयारी है। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संदीप पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप पांडे, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं एक तरफ जहां शाम 7:15 पर राष्ट्र तिलक मोदी का होगा, वहीं दूसरी तरफ इस समय चाय पर चर्चा भी की जा रही है, बड़े अपडेट्स दे दीजिए। बिल्कुल, पीएम आवास पे लगातार जो नवनिर्वाचित सांसद है उनका आना सिलसिला जारी है और खास बात यह है की फिर से खासकर उत्तर प्रदेश में भी पुराने उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो पिछली बार मोदी को 7 साल में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, इसमें से तो अहम नाम जो अभी तक वहां पीएम आवास पहुंच चुके, इसमें एक उनका चौकी है महाराजगंज सीट 7वीं वर्ग दिलाने में कामयाब हुए, उनको भी प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया था और वो वहां पहुंच गए। दूसरा बीएल वर्मा जो राज्यसभा सदस्य है और पिछली बार पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय में भी राज्य मंत्री थे, उन्हें भी पीएम आवास बुलाया गया और वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में दो ये अहम अपडेट हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होना तय ही है। अगर कल्पना अगर ऐसे एनालिसिस करें कि पिछली बार 14 के करीब प्रधानमंत्री समेत के करीब मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या 10 के नीचे हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें हैं। तो ठीक है संदीप, तो ये ड्रीम कैबिनेट है मोदी 3.0 जो सरकार आज बनने जा रही है, इस ड्रीम कैबिनेट में कौन कौन अपनी जगह पाता है, कितने पुराने सांसदों की एंट्री इसमें होती है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाता है, अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। बहरहाल इस समय जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज तिलक की, उस पर अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और चाय पर चर्चा भी की जा रही है पीएम मोदी के साथ।